बिहार के गया जिले में 2 दिसंबर को शेरघाटी अनुमंडल के डोबी थाना क्षेत्र के करमौनी गांव के समीप पेट्रोल पंप से 7,40,000 की लूट में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवीश कुमार ने बताया कि चतरा जिले के आमीन मोड़ के पास से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान हंटरगंज थाना क्षेत्र के डटमी गाँव निवासी राहुल दास के घर से लूटी हुई रकम भी बरामद की गई है। प्रकाश कुमार पहले दारू माफिया के आरोप में जेल भी जा चुका है। वह गया जेल से भाग भी निकला था। पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवीश कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो गैंग था 2 दिसंबर में जो पेट्रोल पंप की लूट की घटना हुई थी, वो लोग फिर हंटरगंज से चला है और इस रोड में कहीं कोई क्राइम कर सकता है। उसमें हम लोग एम्बुश किए हुए थे तो 2 गाड़ी से अपराधी लोग आए तो उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक गाड़ी पकड़ा सकी और दूसरा गाड़ी बैक करके भाग गया जो पीछे था, उसका पीछा भी किया पुलिस के द्वारा लेकिन हाथ नहीं आया। और एक गाड़ी से 3 लोग गिरफ्तार हुए जिसमें 2 लोग जो है पूर्व के पेट्रोल पंप काउंट। नाम क्या क्या है सर जो पकड़े गए थे? पकड़े गए एक बिट्टू शर्मा है, नाम अविनाश कुमार बिट्टू शर्मा, दूसरा है राहुल दास और तीसरा है प्रकाश कुमार। राहुल दास जो है पूर्व से भी और बिट्टू शर्मा ये दोनों ने स्वीकार की है कि 2 लाख जो पेट्रोल पंप वाली घटना हुई थी 2 तारीख को जिसमें हम लोग शामिल थे। प्रकाश कुमार है दारू के केस में जेल गया था लेकिन रिमांड होम से वो भी फरार हो गया था। क्या क्या रिकवर हुआ है? हाँ, उसका बिट्टू शर्मा के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, ऐसे मेकिन इटली लिखता है लेकिन लोग लोकल ही होता है। और जो राहुल दास है उसके पास से एक मैगजीन बरामद हुआ है जिसमें 3 गोली थी। इस मैगजीन के बारे में इसका कहना है कि उस दिन के बाद अभी हम लोग मिले थे, फिर हमको हम लोग घटना के बाद तो मैगजीन उस समय फायरिंग करने के दौरान गिर गई थी, वही मैगजीन भी है। तो मैगजीन खाली हमारे पास था और मैगजीन 2 भी रखता है लोग, तो एक मैगजीन बरामद हुई है। फिर राहुल दास के कन्फेशन पर इसके घर से लूट का 25,000 रुपया भी बरामद, जिसके लिए एक अपराध की योजना बनाने का अलग से काम दर्ज हुआ है जिसमें 2 लोग राजा कुरेशी और प्रवेश भागने में सफल रहा है उनको भी बनाते हुए। गया से अनुपम सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं अरुण तिवारी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।